दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले टी20 मुकाबले में मात्र कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कई धाकड़ खिलाड़ियों की इस प्लेइंग 11 में वापसी करा दी है, जिससे भारतीय टीम की इस महामुकाबले में जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। और वहीं इसी को देखते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान मैथ्यू बेड ने भी अपनी प्लेइंग 11 में कई धाकड़ खिलाड़ियों की एंट्री करा दी है, इसलिए यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच काफ़ी कड़ा और रोमांचक होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ बताएं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज होने वाला पहला टी20 मुकाबला कहां खेला जाना है और टीम की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन आप उससे पहले अगर ये बता सकते हैं कि आज इस महामुकाबले में कौन सा खिलाड़ी सबसे अधिक रन बनाएगा तो आप हमारे कमेंट करके ज़रूरी बताएं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम का जिस तरह से वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी है, उसी को लेकर ही भारतीय टीम के नए कप्तान बनाए गए सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए भारतीय टीम में रिंकू सिंह जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एंट्री करा दी है, क्योंकि रिंकू सिंह ने IPL में एक ही ओवर में 5 छक्के लगाकर टीम के लिए जीत दिलाई थी। इसके अलावा तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और प्रसिद्ध कृष्णा की टीम में एंट्री करा दी है, जिससे भारतीय टीम की इस महामुकाबले में जीत लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान मैथ्यू बेड का भी कहना है कि हमने जिस तरह से भारतीय टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में शिकस्त दी थी, उसी तरह से हम इस टी20 सीरीज में भी उसको हराएंगे। यह दोनों टीमों के बीच आज होने वाला महामुकाबला शाम 7 बजे से विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जिसके लिए क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ और सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि भारतीय टीम को जिस तरह से छोटी सी गलती के कारण वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी, वह गलती हम इस सीरीज में नहीं दोहराना चाहेंगे और भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज हर हाल में जीतना चाहेगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती आ रही है, उसी तरह से वह भी भारतीय टीम के खिलाफ टी20 सीरीज में प्रदर्शन जारी रखना चाहेगी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास ग्लेन मैक्सवेल जैसे धाकड़ खिलाड़ी इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी भारतीय टीम के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहे हैं। तो वहीं भारतीय टीम में हालांकि युवा खिलाड़ी जैसे यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे धाकड़ खिलाड़ी मौजूद है, तो वहीं विकेट कीपर बल्लेबाजी ईशांत किशन भी टी20 क्रिकेट के खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। वहीं टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव भी टी20 क्रिकेट के नंबर एक बल्लेबाज है, इसीलिए भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच यह सीरीज काफ़ी कड़ी होने वाली है। और टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया की टीम से वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेने के लिए इस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहाँ पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों युवा खिलाड़ी टी20 क्रिकेट के एक खतरनाक प्लेयर माने जाते हैं और जिस तरह से इन्होंने IPL में अपनी अपनी टीमों के लिए शानदार प्रदर्शन किया, उसी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि वह टी20 सीरीज में ऐसा ही प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाएंगे। जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ टी20 में अभी तक अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय टीम के लिए अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 277 रन बना चुके हैं और इसके अलावा वह चेन्नई सुपर किंग के भी लिए IPL में भी दमदार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो वहीं यशस्वी जायसवाली टी20 क्रिकेट की एक खतरनाक प्लेयर हैं और वह जिस तरह से IPL में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए लगातार बेहतरीन पारियां खेली हैं, उसी तरह से टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के लिए उम्मीद है कि वह इस महामुकाबले में ऐसी ही पारी खेलकर भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वहीं 3 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास विकेट कीपर बल्लेबाज ईशांत किशन मौजूद हैं, क्योंकि ईशांत किशन ने जिस तरह से टी20 क्रिकेट में अपना नाम बनाया है, उसी तरह से उम्मीद है कि वह इस सीरीज में अगर उनका बल्ला चलता है तो भारतीय टीम के लिए जीत सुनिश्चित मानी जाएगी, क्योंकि किशन के लिए वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया गया था लेकिन उन्हें कोई भी मौका खेलने का नहीं दिया, जिसका भारतीय टीम को लिए खामियाजा ही भुगतना पड़ा है। इसलिए सूर्य कुमार यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ईशांत किशन हमारे लिए विकेट कीपर के तौर पर इस सीरीज में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं 4 नंबर पर इस सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव टी20 के एक खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। हालांकि वो जिस तरह से वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है वह काफ़ी निराशाजनक रहा है, इसलिए सूर्य कुमार यादव के लिए अगर अपनी भारतीय टीम में
जगह बनानी है तो उन्हें हर हाल में T20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन करना होगा और भारतीय टीम के लिए जीत दिलानी होगी। जहां पर अभी तक सूर्य कुमार यादव ने भारत के लिए 53 T20 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 1857 रन बना चुके हैं। इसलिए सूर्य कुमार यादव अगर इस सीरीज में चलते हैं तो भारतीय टीम के लिए इस सीरीज में जीत सुनिश्चित मानी जाएगी। तो वहीं 5वें नंबर के लिए भारतीय टीम के पास इस सीरीज में युवा ऑलराउंडर खिलाड़ी तिलक वर्मा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि तिलक वर्मा ने जिस तरह से IPL में बल्लेबाजी करके अपना नाम रोशन किया है वही उम्मीद है कि वह इस सीरीज में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे और भारतीय टीम के लिए जीत दिलाएंगे। इसके अलावा तिलक वर्मा गेंदबाजी भी करती है और हाल ही में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी धमाकेदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा उन्होंने एशियन गेम्स में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। तो वहीं 6 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास सबसे बड़े फिनिशर रिंकू सिंह मौजूद हैं, क्योंकि रिंकू सिंह जिस तरह से T20 के एक खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं उसी तरह से उम्मीद है कि वह इस सीरीज में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि रिंकू सिंह ने जब IPL में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर सुर्खियां बटोरी थी तभी से उनके भारतीय टीम के प्रशंसक बढ़ गए हैं। इसलिए अब देखना होगा कि वह इस सीरीज में किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। तो वहीं 7 नंबर के लिए चोट के बाद दोबारा वापसी करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि अक्षर पटेल चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। इसलिए अब उनकी इस T20 सीरीज में वापसी हुई है। अब देखना होगा कि वह इस सीरीज में किस प्रकार का प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 8वें नंबर के लिए भारतीय टीम में स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि रवि बिश्नोई अभी तक T20 क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं और उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ IPL में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि वह इस सीरीज में भी अच्छा प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाएंगे। तो वहीं 9 नंबर के लिए टीम इंडिया में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय टीम का अभी तक T20 क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है और अर्शदीप सिंह ने ही अभी तक भारतीय टीम के लिए 34 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह 56 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 10 नंबर के लिए टीम इंडिया में एक और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि मुकेश कुमार अभी तक T20 क्रिकेट में भारतीय टीम में ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से IPL में प्रदर्शन किया है वही उम्मीद है कि वह इस महामुकाबले में प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाएंगे। तो वहीं आखिरी नंबर के लिए टीम के पास तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा T20 क्रिकेट की एक खतरनाक तेज गेंदबाज माने जाते हैं। हालांकि उन्हें भारत के खिलाफ अभी तक मात्र 2 ही T20 मुकाबले खेले हैं, इसलिए अभी तक उन्होंने जिस तरह से IPL में धमाकेदार प्रदर्शन किया उसी तरह से उम्मीद है कि वह इस सीरीज में भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो इसी प्लेइंग 11 के साथ ही भारतीय T20 टीम के कप्तान बनाए गए सूर्य कुमार यादव ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग इस T20 की प्लेइंग 11 में किस खिलाड़ी को और शामिल या बाहर करना चाहिए आप हमारे लिए कमेंट करके जरूरी बता सकते हैं, और आप यह बता सकते हैं कि इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव कितने रन बनाएंगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएँ।